ये बात प्रियंका गांधी पर हुए बीजेपी नेताओं की ओर से जुबानी बमबारी की करते हैं, जिसमें अब नया नाम बस्ती से बीजेपी के सांसद का जुड़ चुका है, जिन्होंने प्रियंका गांधी पर ऐसी टिप्पणी की जिसे कतई मर्यादित नहीं कहा जा सकता। लेकिन बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि क्या ये बीजेपी में बेचैनी का सबूत है जो बीजेपी नेताओं के मुंह से प्रियंका के दौरे से पहले छलक रहा है। सबको पता है जब प्रियंका गांधी दिल्ली में रहती है तो जींस और टॉप में रहती है, और जब क्षेत्र में आती हैं तो साड़ी और सिंदूर लगा करके। इससे पहले कि प्रियंका गांधी यूपी की तरफ कूच करें, उन पर हमलों की बौछार शुरू हो गई है। ये प्रियंका गांधी पर नया हमला है। सबको पता है जब प्रियंका गांधी दिल्ली में रहती हैं तो जींस और टॉप में रहती हैं, और जब क्षेत्र में आती हैं तो साड़ी और सिंदूर लगा करके। बस्ती के बीजेपी सांसद हरीश द्विवेदी ने प्रियंका गांधी के यूपी दौरे और सियासत में आने को लेकर ऐसा कहा जिसे मर्यादित नहीं कहा जा सकता। आप भी सुनिए जरा सांसद महोदय क्या कह रहे हैं। सबको पता है जब प्रियंका गांधी दिल्ली में रहती हैं तो जींस और टॉप में रहती हैं, और जब क्षेत्र में आती हैं तो साड़ी और सिंदूर लगा करके। तो क्या ये बीजेपी में बेचैनी का सबूत है जो बीजेपी नेताओं के मुँह से छलक रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि बीजेपी के नेता लगातार प्रियंका गांधी को लेकर हदें पार कर रहे हैं। वैसे यूपी के एक बीजेपी के विधायक का हाल तो आप देख ही चुके हैं। आप जानते हैं कि राम और रावण का युद्ध जब होने वाला था लंका विजय पर भी, तो पहले रावण अपनी बहन को भेजा था, इसको सुपर्णखा को, तो लगता है कि जो है राहुल भी रावण के रोल में होगा। और राम के रूप में तो मोदी भारत में जो है दुनिया का पताका फहरा ही रहे हैं। राम की भूमिका में मेरा मोदी है, और रावण की भूमिका में जो है नायक के रूप में राहुल है, और राहुल जो है वह रावण के अपनी बहन को सुपर्णखा को फिर जो है उतारा है। वहीं यूपी ही क्यों, बिहार के नेताओं की बेचैनी भी साफ आप देख सकते हैं। ये कांग्रेस भारी गलतफहमी में जी रही है। सुंदर चेहरों के आधार पर इस देश के लोगों से वोट नहीं लिया जा सकता है, और यदि वो ऐसा सोचते हैं प्रियंका गांधी बहुत सुंदर है इसलिए वो राजनीति में आ गई तो सारा सीट जीत जाएंगे, इसलिए वो मुगालते हुए हैं। वहीं ये समझना मुश्किल होगा कि प्रियंका गांधी को लेकर ये बयानबाजी किस तरह का राजनीतिक फायदा लेने में लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज़।